फिर से एक बार शुरू हुआ है डीआईडी का सफर, वो भी डीआईडी सुपर मॉम्स के साथ। सफर क्यों साहब, रेस कहिए रेस। एक, दो, तीन, आठ, दस, सुपर 16 और उनकी चार टीम्स। ये पर्दे के पीछे क्या चलता रहता है, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो देखता हूँ, आप भी देखिए। सुपर 16 जब से साथ आई है घुल मिल गई हैं, मगर ये माए जब बच्चियां बन गईं तो कायनात हिल गई है। हमारे ग्रुप का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है और बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। सबसे ज्यादा मस्ती जोया करती है हमारे पूरे गैंग में। इसको किसी चीज का टेंशन नहीं है, बहुत ही ज्यादा छोटी है, उम्र में भी और दिमाग से भी बहुत ज्यादा इनोसेंट है। हमारे ग्रुप का ना भीम अभी इसको सारे के सारे टाइम खाने की सोचता है। हम लोगों में अगर कोई पूछेगा ना कौन मैट्रिक मारेगा, वैशाखी। और एक बात बताओ, शाश्वती क्या करती है? रिहर्सल खत्म, बैठ गई, उसका बैग में जाके देखना। सुबह सुबह लग जाएगा 6 बजे। अरे कॉलिंग कर, साची दी ने बुला लिया। अरे रुको रुको रुको, अभी मैंने थोड़ा बहुत लिपस्टिक क्या लगा लिया, ये सब तो मेरे पीछे पड़ गए यार। हम लोग सारे के सारे बंगालीज है, सब ये गुजराती है। अभी हम लोग जब बंगाली में बात करते हैं इसके सामने तो इसका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे होता है, उसके बाद सॉरी 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 हिंदी में ही बात करेंगे हम लोग। हंसी के लिए ससल है। हाँ, तो ये हमारी मोटिवेटर है बेसिकली, वो आती है कम ऑन एवरीबॉडी लेट्स वॉक। एक्सप्रेशन के लिए दिव्या है, ये सबसे छोटी है, ये सबसे ज्यादा मेरा दिमाग खाती है, ये देख लो। ये हमारी मम्मा है और हमारी बहुत केयर करती है ये। खाई के पान बना, बिल्कुल भी हमारे ग्रुप की जान है कि बहुत पान खाती है, बहुत पान। उसको अलाउड नहीं है पान खाना, वो पान खाती है तभी उसको पकड़ी जाती है और पान के बाद वो चुपचाप इधर कोने में बिट्टू किधर है, पान खा रही है। मैं बहुत ही कम खाती हूँ, फिर भी ये लोग बोलते मैं ज्यादा खाती हूँ, सोती ज्यादा हूँ। हमारे शो की ताई है और हम लोग ताई से बहुत प्यार करते हैं। ये कौन? फुलवा ताई। ये हमारी कीर्ति भी है। दीदी एक बार ठुमका लगा के दिखाओ ना। राघव के साथ बहुत मस्ती होती है, ऐसे लगता ही नहीं है कि वो हमारे सर है या स्कीपर है, वो हमें मेरी माँ मेरी अम्मा हो ऐसे करके ही बुलाते हैं। सिद्धेश का जो डांसिंग क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो सब तरह की डांस सिखाता है। जय हमारा कृष्ण कन्हैया है और हम सब उसकी गोपियां हैं। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। जोया बहुत ही नाइव लड़की है, नाइव मतलब अच्छी। क्या कुछ कुछ लोग हैं जिन्हें हिंदी भी समझ नहीं पड़ती ठीक से और ठीक से बोल भी नहीं पाते। डाउन टू अर्थ कैसे बोलते हैं हिंदी में, डाउन टू अर्थ। और कुछ कुछ लोग हैं जिन्हें इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती और समझ भी नहीं आती, कुछ भी बोलती रहती है, स्ट्रेचिंग को खोलना बोलती है। हमारी टीम की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा अच्छी है। कभी कभी जो दिल को छूता, चार पिछड़ी बहनें मिल गई है इतनी बला से। हम लोग शो में हो या नहीं हो हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे और गोवा में पार्टी जरूर करने जाने वाले हैं। हम चारों में इतना प्यारे, इतना प्यारे, बहुत प्यार दिखा रहे हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ग्रैंड प्रीमियर का सेलिब्रेशन हमने धूमधाम से किया और इस कहानी में ऊ-ला-ला फैक्टर का तड़का लगाया विद्या बालन ने। विद्या जी के स्माइल और उनके बाल और जब वो हर कोई सी भी मूवी करती है या उसमें डांस होता है या डायलॉग्स होते हैं, बड़े अच्छी तरह वो जो निभाती है ना, वो स्टाइल उनका बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बहुत एक्साइटेड है विद्या बालन से मिलने के लिए, शी इज अ क्लासिक एक्ट्रेस। फाइनली
फाइनली विद्या मैम आ गई, हम कब से उनका वेट कर रहे थे और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड उनसे मिलने के लिए। वो इतनी क्यूट लग रही है, जो फिल्मों में तो वो लगती है पर रियल में भी बहुत ज्यादा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए विद्या के लिए। थैंक यू विद्या जी। जब हमारे प्रीमियर में आए उनके साथ एक बस्केट था, बस्केट में बहुत सारा सामान था और हम लोग भी बहुत क्यूरियस थे कि उसमें क्या चीज है और किसके लिए है। लेकिन जब जय को उन्होंने सरप्राइज गिफ्ट दिया तो हम लोगों को पता चल गया कि अभी स्कीपर्स लोगों का बैंड बजने वाला है। मैम ये तो एकदम ही गर्ली है, ये बहुत मैनली है। बिल्कुल डिफरेंट सा लुक था, तो एक और लुक देखने को मिला अपने वर्सेटाइल जय का। जय के बाद हम सोच रहे थे अब प्रिंस को क्या मिलने वाला है। अजय मैं डैश मार देनी है। तो दे सर है उनके लिए भी, वो एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई थी। अल्लाह मेहरबान। और जब उन्होंने हमारे सिद्धेश सर को वो पहनाया तो वो इतने फनी लग रहे थे, कार्टून टाइप में। विद्या आपने कितनी ठीक तरह से पहचाना किसी को। हम लोग का टीम का जो स्कीपर है राघव, उनको भी विद्या जी ने नहीं छोड़ा। क्या बात है, इतना प्यारा गिफ्ट मिला, क्या है। चक्कर बाबू प्ले कर दो और उनको बोलो कि वो नाचे। ऐसे होता है कि हर रोज प्रैक्टिस में स्कीपर्स हमें तंग करते हैं कि आप ऐसे करो, ये आपका प्रॉप है, इसके ऊपर नाचो, इसके नीचे नाचो। तो इस बार विद्या जी ने हम सबका, हमारे दिल में जो था वो विद्या जी ने पूरा कर दिया। ग्रैंड प्रीमियर का एपिसोड था एंड इट वॉज मोर ग्रैंडर क्योंकि विद्या आई थी, शी वाज माई वेरी वेरी डियर फ्रेंड, सो मुझे बहुत अच्छा लगा वो आई। I'm very, very happy to have come here with Ghan Chakkar. And मेरे ख्याल से हर कोई contestant इसमें winner है. And I'm wishing DID Supermoms all the very, very best. और अब इस सेट पर एक नई खबर। क्या बात, क्या बात। तो एक बात, सुपर मॉम्स को देखकर दादा के मुंह से निकला मुमताजा, मुमताजा। जब भी मैंने डीआईडी देखा है दादा हमेशा बोलते हैं क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो इस बार उन्होंने स्पेशली हम मॉम्स के लिए एक न्यू डायलॉग निकाला है, मुमताजा 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 मुमताजा। मुमताजा मतलब बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। इसी के लिए इसकी दाद देनी पड़ेगी, मुमताजा मुमताजा। शाहजान शाहजान शाहजान। ताजमहल ताजमहल ताजमहल। आगरा आगरा। यार मैं एक बात बोलूं, ये मुमताज मतलब एक्सीलेंट होता है, तुम लोग कहां लेके इसको खराब कर रहे हो। एक प्राउड फील होता है जब मुमताजा हमारे लिए बोला जाता है। एक बार वो मुमताजा मिल जाता है तो एक स्टैंप मिल जाता है कि वी आर अ वेरी गुड डांसर एंड अ परफॉर्मर। आज तो मैं बिल्कुल मुमताजा जैसी दिख भी रही हूँ, तो दादा प्लीज आज तो मुझे बोले देना मुमताजा मुमताजा मुमताजा। ओ नहीं कर सकती, कुछ नहीं, मैं शांत रह के बस उनका दिल जीत लूंगी। मुमताजा मुमताजा मुमताजा। रिंग में चढ़ के उड़ी मारूंगी मैं 6 सीट पे। मैं मेकअप करना भी छोड़ सकती हूँ, लिपस्टिक लगाना भी छोड़ सकती हूँ। वो तो बोलोगे ही। ग्रैंड मास्टर आपका सिर्फ एक चीज बहुत अच्छा लगता है, मुमताजा मुमताजा मुमताजा। और अब देखें कि जो जनता है उनका क्या ओपिनियन बनता है। डीआईडी सुपर मॉम एक सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट निकाला है कि जो घर में मॉम्स रहती है शायद से उनका टैलेंट बाहर एक्सपोज नहीं हो पाता, मे बी वो अपने बच्चों के थ्रू कंप्लीट करती है, बट नाउ इट्स देयर टर्न टू शो दे अदर रियल सुपर मॉम्स। जो इतनी मॉम्स यहाँ पे डांस कर रहे हैं, आई थिंक आई वुड हैव नेवर डन इट इवन इफ आई वाज अ मॉम लेटर,
मैं वो हिम्मत चाहिए होगी वो करने के लिए. दो तीन बच्चे होने के बाद भी मॉम्स इतना अच्छा डांस कर सकते हैं, अनबिलीवेबल. आई मीन मैं सिर्फ सोच सकती हूँ वो लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है. सारा दिन घर में बैठे काम काज में टाइम, अभी टाइम बहुत अच्छा पास होता है. मैं सभी मॉम को ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ क्योंकि आपके अंदर हम हमारे को देख रहे हैं. डीआईडी सुपर मॉम्स एक बहुत ही अनोखा प्रोग्राम है जिसमें मतलब मैं अपनी वाइफ मदर और डॉटर के साथ रियली एंजॉय करता हूँ. एंड आई इंस्पायर माई वाइफ ऑल्सो टू ज्वाइन. मैं बहुत पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम और बनाए जाए. मेरी मम्मी ने तो डांस क्लासेस लेना भी स्टार्ट कर दिया है ताकि वो नेक्स्ट डीआईडी में पार्टिसिपेट कर सके. डीआईडी सुपर मॉम मुमताजा मुमताजा मुमताजा. पिछले हफ्ते सुपर 16 सुपर मॉम्स यहाँ आए. उन्होंने दिल लगाकर मेहनत की और जोरदार परफॉर्मेंसेस दिए, मगर इस कहानी में था एक ट्विस्ट भी. पिछले हफ्ते हम सब एलिमिनेशन राउंड में थे और हमारी नसीब अच्छी थी कि दादा ने हम में से किसी को एलिमिनेट नहीं किया. शो में क्या होगा कोई सोच ही नहीं सकता. चारों सेफ है. I think it's a great decision by Dada and we all were also very happy कि उन लोग को रहने का एक और मौका मिला. आज सुबह से हमें टेंशन था सबको कि एलिमिनेशन में कौन जाएगा, किसे भेजूं, क्या करूं, मेरे बाल झड़ गए चार, इतनी टेंशन थी मुझे सुबह से. लेकिन आखिरकार दादा इस दादा उनके डिसीजन से हम सब सेफ हैं. दादा ने ये डिसाइड किया, डिसीजन लिया कि इस हफ्ते हम किसी को नहीं भेजेंगे. आई थिंक इट वॉज अ बेस्ट बेस्ट डिसीजन एवर. और ये लाजमी है कि दादा ने किसी को एलिमिनेट नहीं किया बिकॉज इट वॉज अ वेरी वेरी टफ कॉल. और शायद जनता भी जो देख रही है वो शायद हमसे यू नो अग्री करेंगी कि दिस इज द राइट डिसीजन. पिछले हफ्ते तो कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ, मगर आज परीक्षा भी होगी और फैसला भी. लास्ट टाइम हम लोग का एलिमिनेशन नहीं हुआ था पर इस बार हमें डर लग रहा है क्योंकि डेफिनेटली इस बार किसी को तो निकलना पड़ेगा ही. क्योंकि इस बार दो भी जा सकते हैं, तीन भी जा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है. बहुत नर्वस है हम और मैं भी बहुत नर्वस हूँ. सबसे ज्यादा टेंशन उस वक्त हमें आता है क्योंकि किसे निकाले. 16 की 16 मम्मीज इतनी अच्छी है कि उन्हें निकालना भी डिफिकल्ट हो जाता है. कॉम्पिटिशन है और कॉम्पिटिशन में तो एक ने एक को तो जाना ही पड़ेगा. हमें बहुत दुख होता है क्योंकि हम इतना अच्छा बॉन्डिंग से हम इतना दिन से रह रहे हैं और हम इतना मस्ती करते हैं रिहर्सल हॉल में. डेफिनेटली वी फील बैड इफ इवन वन ऑफ देम गोस. जो भी है भगवान पे छोड़ देते हैं और बस अच्छे से परफॉर्म करने हैं. डीआईडी सुपर मॉम मंच मैं छड़ के जाना ही नहीं है, मैं जीत के ही जाना है चक दे फटे. हाय मैं हूँ सोनाक्षी सिन्हा. और मैं हूँ रणवीर सिंह. कल हमने खूब रंग जमाया डीआईडी सुपर मॉम्स के साथ. डेरा का टीम आया था एंड वो लोग अपने प्रमोशन के लिए आए थे. हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे सोनाक्षी जी और रणवीर जी से मिलने के लिए. फाइनली जब उन लोगों की एंट्री हुई तो बेचारा जय वो इमेजिन कर रहा था सोनाक्षी मैम को कि सोनाक्षी मैम उनके सामने है और वो दो चार मीठे मीठे डायलॉग उनके सामने बोल रहा है. कोई कहानी सोच रही है तुम्हारी और मेरी कहानी. वो बात कर रहे उनको लग रहा है कि सोनाक्षी जी आए हुए हैं तो वो ड्रीम में बस बात करते जा रहे करते जा रहे. और एक सीन था जब वो अपने घुटनों पे गए और उनको किस किया और देखा तो वो सोनाक्षी जी नहीं थी, वो एक्चुअली मर्जी सर थे. तो बहुत मजेदार एंट्री था. सोनाक्षी ऊपर आके वो गाने के साथ ला लल्ला लल्ला वो आ रही थी और जय ऐसे खड़ा था कि वो सोच रहा था कि सोनाक्षी उनके पास आ रही है. जे तो बिल्कुल ही उल्लू बन गए जब सोनाक्षी जी उनके पास नहीं आके रणवीर के पास चली गई. और हमें इतनी हंसी आई, उनका फेस देखने लायक था जे का. और वैसे भी उनकी इतनी चौप होती रहती है, सब खींचते रहते हैं तो बहुत हंसी आई.
जब लोग वो स्टेज पे आए दोनों के दोनों, तो हम सब लोग उनको देखते रह गए, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था कि हम किसी इतने अच्छे सेलिब्रिटी को हम अपने साथ में देख रहे हैं। जब चोला मम्मियाँ आ रहे थे अंदर, उनके हाथ पकड़ के जो किस किया उसमें तो अरे यार, उसी समय में गल जाने का मन किया। उस टाइम हम लोग बिल्कुल भी भूल गए थे कि हम लोग मम्मी से जैसे लग रहे कि उनके साथ ऐसे डांस कर रहे कि मस्ती में आ गए पूरा। हमको रणवीर सिंह ने वैसे ही इतनी स्टेज पे रिस्पेक्ट दी थी एज अ मदर कि हमें उनके साथ डांस करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, उल्टा हमने वो एंजॉय किया था जैसे हम एक फैमिली में कोई फैमिली फंक्शन एंजॉय करते हैं। मम्मी लोग, आप सबके मार्क्स यहाँ लुट गए। दादा को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसके बाद दादा ने बोल रहे थे कि सबका मार्क्स काट लूंगा मैं, -5 -10 +5 +10 अल्लाह मेहरबान, वो दिल भूले उन्हें। अल्लाह मेहरबान, वो दिल भूले उन्हें। हमारा परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद हमने रणवीर जी को रिक्वेस्ट किया कि वो आए और हमारे साथ डांस करें। सोनाक्षी जी भी आई और सबसे अच्छा तो तब लगा जब रणवीर जी ने टेरेंस सर को इनवाइट किया। हम लोग जैसे चौकीट हो गए हैं कि इतना अच्छा डांस करते हैं टैलेंट सर। वैसे मैं तो टैलेंट सर की बहुत ही फैन हूँ और मैं उनको एक बार आई लव यू बोलना चाहूंगी। मैं उनसे बहुत ही प्यार करती हूँ टैलेंट सर से। जब सबका नंबर पूरा हो गया तो सारे स्किपर्स को भी चाहिए था कि सोनाक्षी जी के साथ उनको डांस करना है। झटके मटके झटके मारे हैं, तू आज जोड़ा तो हम भी बुआ रहे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। जहां तुम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, मुझे आज छोड़ेंगे ना हम। बहुत अच्छी लग रही थी वो करते हुए, वहाँ बैठे बैठे हमारा भी ये मन कर रहा था हम भी चले जाएं ऑन स्टेज और उनके साथ परफॉर्म करें। हमें बहुत मजा आ रहे थे जब हम देख रहे थे कि सारे स्किपर्स के स्टाइल में सोनाक्षी डांस कर रही है। The best part was when Ranveer hit Raghav. He like did an action as if he boxed him, and the Raghav bounce karke. बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंसेस थे आज के। सिंधु, राधिका और जोया ने जो मुजरा एक्ट किया था आज मेरे गाने पर, सवार लू पर। बहुत ही खूबसूरत था, एक तो तीनों गुड़ियों की तरह लग रही थी, इतने खूबसूरत थी। शो का सबसे बड़ा हाईलाइट उनका हुनर है, उसके बावजूद मिथुन दा के हमेशा अच्छा लगता है, वो मेरे आइडल रहे। बोल रहे थे कि तुम थक गई होगी, वापस कभी नहीं होगी, तो मैं बार बार आऊंगी क्योंकि मुझे इस शो पर बहुत मजा आ रहा है। एंड जो ये सुपर मॉम्स है, वाकई जो टैग इन्हें दिया गया है वो
एब्सोल्युटली राइट है उनके लिए. इट वाज अ ट्रीट फॉर मी टू कम एंड हैव फन एंड बी ट्रीटेड टू सच वंडरफुल परफॉर्मेंसेस. वी आल्सो डांस्ड अ लिटिल बिट ऑन द स्टेज. थोड़ा बहुत रायता हमने भी फैलाया तो मजा आया. इट वाज अ मोस्ट वंडरफुल डे. आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस टाइम आई हैड टुडे एट डीआईडी सुपरमॉम्स.